अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद फहद हाशमी फोटू से। आज की प्रोडक्ट में भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका एक पूरा सेटअप करके दिखाएंगे। ये है बैकड्रॉप का स्टैंड किट। यानी कि बैकड्रॉप स्टैंड किट का मतलब क्या है, जो लोग फोटोग्राफर्स हैं या वीडियोग्राफर्स हैं, जब वो अपने करेक्टर की या किसी प्रोडक्ट की या डमी को रखकर शूट करने की जरूरत पड़ती है तो बैकग्राउंड के ऊपर वो कोई ना कोई पेपर रोल्स या फिर क्लॉथ लगाते हैं। तो उन क्लॉथ या पेपर रोल को लगाने के लिए जिस स्टैंड की जरूरत पड़ती है उस स्टैंड को आज हम पूरा कंप्लीट लगाकर भी देखेंगे और सेटअप भी करके देखेंगे किस तरह से स्टैंड आपस में मिलाते हैं, बनाते हैं, क्या इसकी हाइट होती है, कितनी इसकी विड्थ होती है, क्या इसकी क्वालिटी होती है और इस बॉक्स के अंदर ये क्या क्या चीजें साथ में होती है जिससे आप ये पूरा सेटअप बना सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के ऊपर अपने कमेंट्स करें, इसे लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ और फिर इसको सेटअप गाइड करके देखते हैं किस तरह से सेट होता है। तो चलें चलते हैं जी, इसको अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले। और ये बॉक्स, इसका हम अनबॉक्स कर रहे हैं, देखते हैं जी कंपनी ने क्या क्या चीजें दी हैं साथ में। सबसे पहले तो ये इसका कैरी बैग। ओके, इसका हम बॉक्स हटा देते हैं यहाँ से। और ये है जी इस कैरी बैग के अंदर, ये अच्छा खासा कोई 5-6 किलो का नहीं बल्कि ज़्यादा है, ये 8 किलो के करीब लगभग जो है ये बॉक्स है, इसका कैरी बैग है। अच्छा, इस बैग का फ़ायदा क्या है कि इसको आपने बाइक पे रख के भी निकल जाना है तो बाइक के ऊपर भी ये आराम से कैरी हो जाएगा, गाड़ी में तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है ये पोर्टेबल स्टैंड है। और इसको हम ओपन करते हैं ऐसे और इसको हम खोल देते हैं इस तरह से। तो इसके अंदर 2 स्टैंड्स हैं यहाँ पे और सेंटर में ये 4 रॉड्स हैं। ये हैं 4 रॉड्स, नज़र आ रही होंगी आपको, ये 4 रॉड्स हैं। ओके, और ये सेंटर रॉड्स हैं। इसको किस तरह से बनाना है ये भी अभी बताता हूँ आपको। तो पहले हम इसका स्टैंड निकालते हैं। ये है इसका स्टैंड, ये है हाई क्वालिटी बैकड्रॉप स्टैंड किट। इसी से रिलेटेड दूसरी भी आती है मार्केट के अंदर, अवेलेबल है, लेकिन उसकी ये फिनिशिंग और ये क्वालिटी और ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको, इसीलिए इसके प्राइस भी ज़्यादा हैं बनिस्बत लो जो क्वालिटी की जो स्टैंड किट है वो 6,500-7,000 रुपये की आती है। लेकिन वो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता प्रोफेशनल लोगों के लिए। हाँ, जो इंडी फिल्म मेकर हैं या नए नए बच्चे आ रहे हैं मार्केट में, काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बजट नहीं है तो फिर वो 6,500-6,000 रुपये आप जा सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कंपनी के लिए बाइंग हो रही है तो उसके लिए ये स्टैंड रेकमेंडेड है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह दिखा देता हूँ आपको। ये इसका स्क्रू माउंट है, ये इसकी फिनिशिंग है, इसकी क्वालिटी है। ठीक है, इसको बाहर रखता हूँ मैं एक तरफ ताकि ये 2 स्टैंड्स हैं इसमें, सेम कैटेगरी के 2 स्टैंड्स हैं। ये पाउचेस उसके अंदर बने हुए हैं। अच्छा जी, आगे दूसरा स्टैंड इसका सेम स्टैंड है। ये 2 स्टेजेस हैं, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज और ये इसकी लैग्स के लिए है। इसको अभी दिखाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो आ रही है, जो 4 इसकी सेंटर रॉड्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, किसी एक को दिखा देता हूँ क्योंकि फिर मैं सेटअप की तरफ जाऊँगा। ये है जी इसकी सेंटर रॉड, ये इसकी जो क्लिप्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये क्लिप्स आके लॉक होंगे आपस में। किस तरह से होंगे वो भी मैं इधर दिखा देता हूँ ज़रा क्लोजअप में ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा जी, ये कौन सी रॉड है, ये सेंटर रॉड है। अच्छा, 2 रॉड्स होती हैं इसकी साइड की रॉड्स, जो लेफ्ट एंड राइट साइड पे लगेगी उसमें ये होल होंगे, ये होल नज़र आ रहा है, ये स्टैंड के अंदर लगेगा इसलिए ये होल यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये एक साइड पर ये होगी और दूसरे साइड के ऊपर दूसरी होगी। तो इसको हम लॉक इस तरह से करते हैं कि ये पिन आउट है, ये रहा ये पिन है, ये सेंटर में गई और ये यहाँ पे लॉक्ड हो गया, ये लॉक्ड हो गया ना। अब ये एक पूरी रॉड बन गई। ठीक है जी, ये 3-3 फिट की रॉड है, 3 फिट ये हो गई और 3 फिट 6 फिट हो गई। ठीक है, अब इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो फिर आप मज़ीद इसकी रॉड निकालें। अच्छा जी, मज़ीद रॉड निकाल कर आप इसको किस तरह से करेंगे अभी दिखाते हैं जी। ये आ गए जी, ये वापस इसी तरह ये लॉक्ड हो गई और ये मज़ीद कितनी हो गई, 3 3 6
और ये 3-9, ये 9 फिट की रॉड हो गई। अच्छा, आखिरी जो रॉड है एक साइड की दिखाई दी ना, ये सेकंड तरफ दूसरी तरफ की होगी, यहाँ पर भी ये होल होगा ताकि ये दोनों जो साइड पे स्टैंड्स लगेंगे ना वहाँ पर कनेक्ट के लिए काम में आ जाए। इसको हम कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से। जो पेपर रोल है वो 9 फिट चौड़ा होता है, तो ये 12 फिट चौड़ी अपना जो है ये स्टैंड है, तो आराम से इजीली इसके ऊपर हैंग हो जाएगा। तो इसको भी फिलहाल करते हैं, हम नीचे रखते हैं इसको और अब हम खोलते हैं स्टैंड को और इसको मैं करता हूँ टेबल को थोड़ा सा साइड पे ताकि आपको दिखाने में आसानी हो जाए। ये है इसका स्टैंड। सबसे पहले आपने इसको यहाँ से इसको आपने यहाँ से इस तरह ओपन किया और ओपन करने के बाद इसको आपने रखा नीचे और इसका स्क्रू नीचे से किया टाइट। और ये है इसका दूसरा स्टैंड, ठीक है जी, दूसरा स्टैंड भी इसी तरह ओपन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 स्टैंड्स लेंगे। तो ये आ गई इसकी रॉड, ये स्क्रू आपने खोल दिए दोनों तरफ से, ये आपने खोल लेने इसकी रॉड लगाने से पहले पहले। बाद आपने ये रॉड उठाई, ये लगा दिया, ठीक है जी। तो थोड़ा सा स्टैंड की एडजस्टमेंट आपने करनी होगी थोड़ी सी, दोनों के स्क्रूज जो है ये उसके ऊपर लगा देने वापस। पहले पेपर रोल इसके अंदर लगाना है, ठीक है, उसके बाद फिर ये दोनों स्टैंड्स के ऊपर आएगा। अब ये करना ये है कि इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे इसकी हाइट को लेके जाना है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट तकरीबन जाती है जी 9 फिट के लगभग इसकी हाइट है ऊपर, और विद इसकी आगे कितनी 12 फिट की इसकी विद है। तो 9x12 का ये कंप्लीट प्रोफेशनल स्टैंड किट है और इसकी कॉस्ट है इस वक्त 14,000 रुपये। तो ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई इसकी, तो सेकंड स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। आप सेकंड स्टेज भी इस तरह खोल सकते हैं, काफ़ी है तकरीबन, ये मैंने अपनी हाइट से भी ऊपर लगा दिया है। तो ये आपका बैकड्रॉप का एक पूरा कंप्लीट सेटअप स्टैंड आपको मिलता है, इसके ऊपर आप लगा लें जी। पैनाफ्लैक्स लगाना है आपने, इसके ऊपर कपड़ा लगाना है आपने, इसके ऊपर पेपर रोल लगाना है। 9 फिट इसकी हाइट है और 12 फिट इसकी चौड़ाई है। तो जो कपड़ा आता है क्लॉथ, प्रोफेशनल जो क्लॉथ आता है बैकड्रॉप का, वो 9 फिट चौड़ा होता है। इसी तरह पेपर रोल जो आता है वो भी 9 फिट चौड़ा होता है, लेकिन पेपर रोल की लंबाई जो होती है वो 36 फिट होती है, क्योंकि वो पेपर होता है गंदा होता है ख़राब होता है, तो उसको कट करना पड़ता है। यानी कि आप अपने पैसे को कट करते रहते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाता है। क्लॉथ का फ़ायदा ये होता है प्रोफेशनल क्लॉथ का कि वो वॉशेबल होता है, आयरनेबल होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, फटता इतने आराम से नहीं है, बार बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी लाइफ ज़्यादा होती है और प्राइस में इतना बड़ा कोई डिफरेंशिएट नहीं होता। तो आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो पे कमेंट करें, मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की जो है मैं रिव्यूज़ इंशाल्लाह आपके सामने लेकर आता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, तो ताकि हमारी मेहनत वसूल हो जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन सी प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करेंगे। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।